Hey there, welcome once again to my class. My name is Kanchan and you're watching English Connection. Guys, जैसा कि आप देख सकते हैं आज है डे 46 और आज का जो टॉपिक है वो है वाक्य के प्रकार. वाक्य के प्रकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा एक और है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ये सुनने में टिपिकल लगता है लेकिन टिपिकल है नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है. आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसके जरिए आप इस कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है. एग्जामिनेशंस तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, चुटकियों में इससे रिलेटेड सवालों के जवाब देकर आप आएंगे. लेकिन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है, ज़रूर से देखिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है. सबसे पहले बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ये. तो फोर टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है. कौन कौन से हैं, चार, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. इन्हें हिंदी में क्या बोलेंगे, सामान्य, संयुक्त, मिश्रित या फिर चौथा क्या है, संयुक्त मिश्रित. सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा नाम पर जाया करिए, नाम से आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. सिंपल सेंटेंस है दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें सिंपल होगा, ठीक है, मैं भी बताऊंगी क्या सिंपल है. कंपाउंड, साइंस की बात करें तो कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़ना. तो यहाँ पे मतलब यह है कि हमको जोड़ेंगे, ठीक है, कंपाउंड में हमको जोड़ेंगे. क्या जोड़ेंगे मैं अभी आपको बताते हूँ. फिर कॉम्प्लेक्स में आते हैं, कॉम्प्लेक्स को नाम से समझिए. कॉम्प्लेक्स जैसा कि मैंने कहा मिश्रित, तो इसमें भी मिक्स करना है. लेकिन कुछ एक आप ध्यान दें कि कॉम्प्लेक्स का एक और मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा. क्या होगा वो आप आगे समझेंगे. अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है इसमें इन दोनों के फीचर्स होंगे, यानी इसकी भी चीज़ें और इसकी भी चीज़ें होंगी, ठीक है. तो क्या जोड़ेंगे इसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले मैं बताऊँ, अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में हम ले आते हैं क्लॉजेस, यानी कि जब क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है. तो क्या जोड़ना है हमें, क्लॉजेस को जोड़ना है. जी बिल्कुल, क्लॉजेस को जोड़ना है. तो ये जो दो वीडियोस हैं डे 43 और डे 44, इसमें मैंने क्लॉजेस के ही बारे में बताया. डिटेल में जानना है तो ये वीडियो जरूर से देखिएगा क्लॉजेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. लेकिन आज मैं आपको सरल तरीके से यहाँ भी बताऊंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट वर्ब है और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है. ओ भाई, जब दोनों में दोनों चीज़ें हैं तो कैसे समझेंगे कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है. तो गाइस फिर नाम पे चलते हैं. इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर ना हो, है ना, जो किसी पर निर्भर ना हो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. अगर निर्भर नहीं है दैट मीन्स कि पूरा का पूरा अर्थ निकलेगा, ये खुद में एक सेंटेंस हो जाता है, ठीक है. अब जो डिपेंडेंट है वो किसी पर निर्भर करेगा, तो निर्भर करेगा तब इसका सेंस निकलेगा. तो ओवरऑल जिसका कोई मतलब निकले, जिसको किसी पर डिपेंड नहीं करना है, ठीक है, डिपेंड नहीं होना है, जिसका कोई मतलब निकलेगा ना, वो जो है जिसका कोई मतलब निकले वो इंडिपेंडेंट होगा. और जिसका कोई मतलब ना निकले, पूरे तरीके से मतलब नहीं निकलने वाला जिस क्लॉज का, वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा. चलिए देखते हैं, ये है, ये एक क्लॉज है, आई वॉज लेट, लेकिन इसका पूरा मतलब निकल रहा है, मतलब मुझे देर हो गई थी, तो ये एक सेंटेंस भी है. तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका पूरा मतलब निकल रहा है. एक और देखते हैं, बिकॉज आई मिस्ड माई बस. अगर यहाँ से आपको मैं बोलूँ बिकॉज आई मिस्ड माई बस, तो आप कहेंगे क्या बोल रहे हो, पूरी बात बोलो ना, आधा क्यों बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा इसका मतलब, क्योंकि मेरी बस छूट गई थी. तो क्या हुआ, कुछ पूरा 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 अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है. तो ये था इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंडेंट. इसको किसी की ज़रूरत है, किसकी, इसकी. आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस. अब जब ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा तब जाके एक सेंटेंस बना. आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस, मुझे देर हो गई थी क्योंकि मेरी ट्रेन छूट गई थी. तो ये एक पूरा सेंटेंस बना. तो आपने देखा हमने दो क्लॉजेस को जोड़ा, ठीक है. लेकिन पहले मैं ट्रिक देना चाहूंगी आपको. ट्रिक क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसे हम अपने देश की सोच के हिसाब से समझते हैं. हमारे देश में क्या कहा जाता है, जो अकेले जी सकता है, ठीक है, जो अकेले जी सकता है, जिसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, कहते हैं वो लड़का है. ये हमारे देश की सोच है, मेरी सोच नहीं है. तो लड़के की बात करेंगे, जहाँ जहाँ मैं लिखूँगी बॉय वहाँ आप समझ लीजिएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज. और डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत है,
ऐसा कहा जाता है जिसे किसी सहारे की जरूरत है, यानी कि लड़की को सहारे की जरूरत है लेकिन लड़का इंडिपेंडेंट है। तो गाइज ये समझाने के लिए बहुत ही आसान है आपके लिए, इस ट्रिक से आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। तो जहां जहां गर्ल वो डिपेंडेंट क्लॉज, जहां जहां बॉय वो इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस है, मैंने कहा था सिंपल होगा, सिर्फ एक लड़का है। जब किसी लड़के के कोई दोस्त नहीं होते, बड़ा सिंपल सा लड़का होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉय है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एकदम सिंपल, सबसे आसान सेंटेंस यही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे कि मैंने कहा आई वॉज लेट, वो अपने आप में क्लॉज भी था और सेंटेंस भी था। फिर आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। मैंने कहा दो या दो से ज्यादा को जोड़ेंगे, तो एक लड़के की दोस्ती एक लड़के से है, ठीक है। दो लड़के दोस्त हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्लस एक और बॉय रख लीजिए, उसके अलावा भी आपको जोड़ना है एक और बॉय रख लीजिए। तो बॉय बॉय यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। जो तीसरा आएगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा। तो दोस्ती है तो ठीक, दोस्ती अगर टूटी तो भी वो उनका अपने आप में वजूद है, ठीक है। वो अपने जिंदगी अपने ही सहारे काट सकते हैं। हो गया आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक? आगे एग्जांपल्स भी दूंगी मैं आपको। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। तो कॉम्प्लेक्स, जैसा मैंने कहा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमारे देश में जब एक लड़का लड़की दोस्त होते हैं तो भाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। किसी को ये बात हजम नहीं होती, है ना। ये बात तो है ना, ये बात आप समझते हैं। तो इस बात से समझ लीजिए कि लड़का लड़की, अगर लड़का लड़की साथ में दोस्ती है तो कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, ये तो होना ही है, ये भी होना ही है, लेकिन और भी हो सकती हैं गर्ल्स। मतलब कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट तो जरूरी है, और डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं क्लॉजेस वहां पे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कंपाउंड के गुण पहले आने चाहिए। कंपाउंड में क्या थे, टू बॉयज यानी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो दो बॉयज तो होने जरूरी है, मस्ट है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स में आपने देखा एक बॉय एक गर्ल, तो कॉम्प्लेक्स का बॉय तो यहां है ही, एक गर्ल चाहिए। तो यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज, ये जरूरी है। इसके अलावा दो से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। तो यहां तक आपके लिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार आप गौर से ऐसे फिर से देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज या उससे ज्यादा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट जरूरी है, मस्ट है, और एक डिपेंडेंट जरूरी है। इसके अलावा भी दोनों और भी हो सकते हैं। एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक एक करके एग्जांपल्स के साथ और स्ट्रक्चर के साथ बात करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस एक, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इजी एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक टी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक सिंपल सेंटेंस भी है। मीरा लाइक्स कॉफी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक सिंपल सेंटेंस भी है। क्लियर, सबसे आसान। आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड में मैंने बताया बॉय प्लस बॉय यानी कि इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। तो स्ट्रक्चर में आप जोड़ तो देंगे लेकिन जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो चलिए इनका पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होएगा ही, दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, पर ये बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। अब ये क्या है, मैं क्लॉजेस वाले वीडियोस में सब बता चुकी हूँ लेकिन यहां भी बताऊंगी, घबराए नहीं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है अभी बताती हूँ। अगर आप इसे नहीं यूज करते तो आप इसे यूज करेंगे। ये क्या है, ये है एक सेमी कॉलन, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आई लाइक टी, जो अभी आपने पिछला देखा वो एक सिंपल सेंटेंस था, आई लाइक टी एंड मीरा लाइक्स कॉफी। ये दोनों ही आपने देखे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे ना पीछे। अब जब इसे हमने यूज कर लिया, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। तो अगर मैं इसे ना यूज करूं, ठीक है, और अलग अलग कर दूं तो ये सिंपल सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे। ये अलग एक सिंपल सेंटेंस, ये अलग, दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। एक और देखिए, आई स्टडीड बट मीरा प्लेड, ये दोनों अपने आप में पूरे हैं। अलग कर देंगे तो अलग भी लिख सकते हैं फुल स्टॉप लगा के, और बट के साथ हमने इसे जोड़ भी दिया जो कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब मैंने कहा था जब इसे ना लगाएं तो ये लगा दें, तो इस तरीके से तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई स्टडीड
सेमीकॉलन देन मीरा प्लेड क्लियर सिंपल एंड कंपाउंड क्लियर हो गया आपके लिए. ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज से को जब जोड़ते हैं कहीं तो उससे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं या तो ये लगाते हैं. ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है ये देख लेते हैं. फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. आपको याद हो मैंने ऐसे भी बताया था. इसे याद करने का तरीका आप इसे फैन बॉयज करके याद कर सकते हैं. फैन बॉयज सबका पहला पहला लेटर है. फैन बॉयज एफ फॉर फॉर ए फॉर एंड सो ऑन. ठीक है, ये भी आपने समझ लिया. अब आते हैं कॉम्प्लेक्स में. अभी दो चीजें बहुत आसान थी. कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि एक बॉय और एक गर्ल होगा होगी और ये गर्ल्स और भी हो सकती हैं. तो स्ट्रक्चर देखिए, पहले इंडिपेंडेंट जो कि बॉय है, फिर आपको जोड़ना है गर्ल. लेकिन गर्ल क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है ना. जब डिपेंडेंट क्लॉज है तो इसके पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे. इसके पहले हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन. दो चीजें आ गई. वहां तक सब इजी था. यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें आए क्योंकि लड़कियों के साथ थोड़ा तामझाम भी ज्यादा होता है. ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जब आपको लड़की यानी कि आपको डिपेंडेंट क्लॉज लगाना है तो आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन लगाने. ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें. फॉर एग्जाम्पल, आई मिस्ड द ट्रेन. जैसे कि ये सेंटेंस है, आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट. तो वो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब ये जो बिकॉज है ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम. तो ये यहाँ से इंडिपेंडेंट, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और यहाँ से यहाँ तक ये एक डिपेंडेंट क्लॉज. अकेले इन्हें बोल के देख लीजिए आप, बिकॉज आई वॉज लेट बिफोर वी गॉट होम. सब अकेले कोई मतलब नहीं निकल रहा. इनको जब इंडिपेंडेंट क्लॉज में जोड़ दिया गया तो मतलब निकला. एक और एग्जाम्पल, ही इज द मैन हु वॉज टॉकिंग टू मी यस्टरडे. ये जो हु है ये क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन. तो आप पहले वो समझ लेते हैं. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज जब कहीं जोड़ेंगे तो उससे पहले आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा. ठीक है, आपने एग्जांपल देखिए. अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं और ये है आइडिया बीइंग मॉडिफाइड. यानी टाइम की बात करेंगे तो इतने वर्ड्स हैं. प्लेस, ये पोस्ट मैं ऑलरेडी चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ तो वहां से भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब देखिए आगे 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस आर. तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, 5 बेसिक है. उसमें से हु, whom, whose, that एंड which, ये 5 ये रिलेटिव प्रोनाउन है. क्लियर, आपके लिए कॉम्प्लेक्स भी समझ आ गया. अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो पहले कंपाउंड वाले 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होंगे ही, एक डिपेंडेंट होगा और इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं. तो जब इंडिपेंडेंट जोड़ेंगे पहले, इसको आप इस तरीके से भी समझ लीजिए, बॉय प्लस गर्ल. ठीक है, बीच में ये फिर बॉय. तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा स्ट्रक्चर को समझना. इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर हमको क्या जोड़ना है, हमने सबऑर्डिनेटिंग जोड़ा क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज बीच में आ रहा है और डिपेंडेंट से पहले सबऑर्डिनेटिंग. फिर उसके बाद हमें इंडिपेंडेंट जोड़ना है तो उसके पहले कोऑर्डिनेटिंग. तो जो बाद में आ रहा है उसके पहले के हिसाब से यहाँ प्लस की जगह पे हम वो वर्ड लाते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर था. अब देखिए, आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट. ये क्या है, इंडिपेंडेंट. ये है डिपेंडेंट. फिर आएगा एक इंडिपेंडेंट. तो ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, अब देखिए, ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम एंड ही केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स. मतलब वो जा चुका था हमारे घर पहुंचने से पहले और वो 10 मिनट बाद वापस आ गया. तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड देन इंडिपेंडेंट. क्लियर गाइस, बहुत ही अच्छे से आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है, कैसे पहचानेंगे एग्जाम में कि क्या करना है, आपको इन पर नजर रखनी है. ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे समझ आ जाएगा कि बाद में जो आया है वो क्या है. फिर आप कंपेयर करके आराम से बना लेंगे. और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बॉय और गर्ल वाला दिया वो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, आई एम डैम श्योर. तो गाइज एक काम कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा. ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है आपको सब सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही आसान
कॉन्सेप्ट था, आपने भी समझ लिया इस चीज़ को, है ना। अब चलिए एक काम कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हों तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर रेड कलर से आ रहा है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ तो आपको सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं आ रहा रेड से तो नहीं करना है, मतलब आप कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, एंड येस डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे लिख के जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।